पन्ना जिले में आज अमानगंज की भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अमानगंज तहसीलदार को पन्ना कलेक्टर के नाम और अमानगंज थाना प्रभारी को पन्ना नजूल में पदस्थ तहसीलदार प्रेम सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि तहसीलदार द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उससे समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं मंडल अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि तहसीलदार प्रेम सिंह द्वारा फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की संस्थाओं को बेच रहे हैं, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देता, जिससे गुस्साए हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज माननीय कलेक्टर के नाम तहसीलदार पर कार्यवाही करने के बाबत ज्ञापन सौंपा है। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। लेके आपने ज्ञापन दिया आज? एक प्रेम नारायण सिंह जी हैं, नजूल में तहसीलदार हैं वो वर्तमान में अभी, उनने टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ टिप्पणी की थी उनने, और बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिससे हम सभी कार्यकर्ता माननीय मंडल के पूरे जिले के बहुत आहत हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया है और एक माननीय थाना प्रभारी जी को महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी विधिवत जाँच कराकर उन पर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया जाए। संगठन की तरफ से क्या आपका समूचे जिले में ये ज्ञापन दिए जाएंगे? अभी जिलाध्यक्ष जी का से मैंने बात की थी, मैंने तो अभी दिया है, बाकी उसके बाद अब देखते हैं पूरा जिले में भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। जी, और अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, अभी ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है, माननीय तहसीलदार महोदय ने भी ज्ञापन दिया है, आश्वासन दिया है, और TI साहब ने भी, थाना प्रभारी महोदय ने भी आश्वासन दिया है। अभी सुनने में आया है कि गिरफ्तारी हो गई? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, क्या नाम है? डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, भारत मंडल अध्यक्ष अमानगंज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।